हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे बनाना फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना इसे उतना ही आसान है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल लो, लेडीज स्वेटर, जेंट स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, जैकेट, कैप, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना लो। इस डिज़ाइन में हर डिज़ाइन पे, हर प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे, आप 6 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे। पहले ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 6 6, ऐसे 6 के मल्टीपल से फंदे डाल लेंगे। इस साइड वाले 5 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे, 2 फंदे एस स्टिच के लिए डालेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, ऐसे फंदे डालेंगे तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। ये सीधी साइड से ऐसे नज़र आ रहा है, बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इसे आप किसी भी कलर में बना लेंगे, लाइट कलर में, डार्क कलर में, हर कलर में ये डिज़ाइन खिल के आने वाला है। इसको बनाने के लिए पहले आप बॉर्डर बना लेंगे, अपना मनपसंद बॉर्डर, जो भी आपका मनपसंद बॉर्डर हो उसे बना लेंगे। मैंने ये देखिए एक सीधा एक उल्टा ऐसा बॉर्डर बनाया, आप अपने मनपसंद का बना लें। उसके बाद अगर बॉर्डर के ऊपर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो लास्ट वाली उल्टी रो में फंदे बढ़ाएंगे, लास्ट वाली रो में फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीधी साइड से इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो फिर इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे, आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाना। पहले आप 6 6 6 प्लस 5 प्लस 2 ऐसे फंदे डाल लें और मेरे साथ साथ ही बनाएं। वीडियो देखते समय स्किप मत करना, स्किप करने से फिर आपको डिज़ाइन का पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने कैसे बनाया, इसलिए फुल वीडियो देखा करो ताकि आपको डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलो फिर इस डिज़ाइन को बनाना अब स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे इस डिज़ाइन को, सबसे पहले पहला फंदा सीधा बना लेंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा बिना बुना ले लेंगे। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक फंदा बिना बुना ले लेंगे। फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 5, बिना बुना ले लेंगे एक फंदा। फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 5, ऐसे स्टिच भी हम सीधा ही निकाल लेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी कंप्लीट हुई। सेकंड रो, पहला फंदा स्किप करेंगे। अब 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, बिना बुना फंदा इस सिलाई पे ले आएंगे। फिर से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5, बिना बुना फंदा दूसरी सिलाई पे ले आएंगे।
ऐसे ही करते हुए पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। पांच फंदे बनाते जाना है और एक फंदा बिना बुने दूसरी सिलाई पे लेके जाना है। ये डिज़ाइन की सेकंड रो कंप्लीट हुई। अब क्या करेंगे, दो रो और कंप्लीट करके, दो रो और कंप्लीट करेंगे फर्स्ट और सेकंड रो की तरह बना के। उल्टी रो में भी सेकंड रो की तरह करेंगे, जो फंदे उल्टे बनाए थे उल्टे बनाएंगे, जो फंदा बिना बुने लिया था उसे बिना बुने ही लेना है। फोर रो कंप्लीट हुई। अब पहला फंदा स्किप करेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए। अब हमें सारे फंदे उल्टा उल्टा बनाने हैं। ये बिना बुना फंदा भी उल्टा बनाएंगे, पूरी रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट करनी है। पांच फंदे भी उल्टे बनाने हैं, जो बिना बुना है उसे भी उल्टा बनाना है। लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे। उल्टी रो उल्टी साइड से पहला फंदा स्किप करेंगे धागा आगे की तरफ करके। अब सारे फंदे हमें सीधा सीधा बनाने हैं। सारे फंदे सीधे सीधे बना लिए। पहला फंदा स्किप करेंगे धागा पीछे करेंगे। अब हमें यहाँ पे हमारे पास पांच फंदे थे, सीधे पांच फंदे थे, दो इस साइड चले जाएंगे, दो इस साइड चले जाएंगे। जो सेंटर वाला फंदा है वहाँ पे हमने बिना बुना निकालना है और बाकी दोनों साइड के दो दो फंदे हमें सीधे निकालने हैं। एक दो, दो फंदे सीधे निकाले, इस फंदे को बिना बुना निकाल लेंगे। ये सेंटर वाला पांच फंदों के सेंटर वाला फंदा, इसे बिना बुना निकाल लेंगे, दोनों साइड वाले फंदे। अब आगे हमें ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच निकालेंगे, इसे बिना बुना निकालेंगे। फिर से पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, इसे बिना बुना निकाल लेंगे। फिर से पांच फंदे, एक दो
चार, पाँच। इसे बिना बुना निकालेंगे, दो फंदे सीधे, स्टिच सीधा। उल्टी रो में हमें वैसे ही करना है, जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टे बनाते जाना है, जो बिना बुना लिया हुआ है उसे उल्टी रो में भी बिना बुना ही निकालना है। पांच फंदे उल्टे बना लेंगे, इसे बिना बुना निकालेंगे, दो फंदे उल्टे, स्टिच भी हमें उल्टा ही निकालना है। अब दो रो और बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड की तरह ऐसे ही बनाते हुए, जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे, जो बिना बुना लिया हुआ फंदा उसे बिना बुना लेंगे। लास्ट वाले तीनों फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टी रो में जो बिना बुने लिया हुआ है उसे बिना बुना लेना है, और बाकी फंदे पांच फंदे जो वो उन्हें उल्टा उल्टा बनाना है। पूरी रो उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली, ये देखिए। अब हमें फिर से ऐसे एक उल्टी उल्टी रो बनानी है, एक सीधी सीधी बनानी है। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, जो बिना बिना फंदा लिया हुआ है उसे भी उल्टा बनाना है। पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे और एक सीधा सीधा बनाएंगे। सीधा बना लिया लास्ट वाला फंदा, पहला फंदा स्किप करेंगे। अब सारे फंदे हमें सीधे सीधे बनाने हैं, ये देखिए, ये डिज़ाइन ऐसे बनता जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट पे डालोगे तो ये डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। ये देखिए, इसे बना के ज़रूर ट्राई करना, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।